नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय देश में चुनाव की बयार चल रही है। मुद्दे भले ही जनता के ना लिए जाएं, विकास की बातें भले ही ना हो, पर चुनाव की बातें यहां पर आम हो चुकी हैं और साथ ही आम हो चुके हैं आरोप प्रत्यारोप के दौर। बयार की बात अगर इसलिए कहूंगा क्योंकि इसके पीछे भी एक तथ्य है। गुजरात चुनाव, जहां पर भाजपा सत्ता पे आसीन है, कांग्रेस तैयारी कर रही है और आम आदमी पार्टी तो पूरा दावा करके बैठी हुई है कि इस बार सत्ता वहां पर हम बना रहे हैं। दिल्ली के बाद पंजाब, पंजाब के बाद अब बारी है गुजरात की। इसके अलावा जो मैनपुर चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं, निकाय चुनाव, जिनको 2024 का पहले का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। इसके साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। सरगर्मियां लगातार जा रही है और सभाएं जा रही हैं। कुछ समय बाद चुनाव है, उसके फैसले, और हिमाचल यानी देवभूमि की धरती पर कौन विराजेगा इसका फैसला भी जनता जनार्दन कुछ समय बाद कर देगी। पर इसके साथ ही साथ कुछ अन्य चुनाव भी हैं जो है तो बहुत केवल गिने चुने चुनाव, पर चुनाव से जो सत्ता और सत्ता के विपक्ष दोनों की बौहें चढ़ी हुई हैं। क्योंकि जिस तरह से अभी हाल में हमने देखा कि गोला गोकर्णनाथ पर चुनाव हुआ और वहां पर जिस तरह से तमाम तैयारी के साथ बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा, परिणाम जो पहले था, मैंने अपनी पुरानी डिबेट में भी कहा था कि अगर तैयारी बेहतर होगी, कुछ बेहतर होगा, तभी परिणाम बदलेंगे, नहीं तो जो प्रथा चलती आ रही वही चलती रहेगी। और वैसा हुआ भी। और यहाँ पर अरविंद गिरी, दिवंगत अरविंद गिरी के पुत्र अमन गिरी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। ऐतिहासिक इसलिए बोलूँगा कि पिता से ज़्यादा वोटों से उन्होंने विनय तिवारी को हराया, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को। इसके अलावा जो अब अन्य चुनावों की हम बात करें तो वो भी अब चर्चा में आ गए हैं। चर्चा में हेट स्पीच के चलते सजा पाए आजम खां की रामपुर सीट रिक्त हुई, उस पर भी चुनाव होना है। इसके अलावा अभी हाल में ही समाजवादी पार्टी के पुरोधा और पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी सीट भी रद्द हो गई है, वहां लोकसभा का उपचुनाव होना है। और तीसरी महत्वपूर्ण चर्चा का विषय ये कि आजम खां की सदस्यता रद्द होने के बाद सीट रिक्त हुई और सीट रिक्त होने के बाद जिस तरह से रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने सतीश महाना को पत्र लिखा, चर्चाएं हुई, बयानबाजी हुई और उसके बाद 11 अक्टूबर 2022 के आदेश को यहां पर निर्णय मानते हुए उसी दिन से विक्रम सिंह सैनी खतौली विधायक की सदस्यता रद्द कर दी गई है और वहां पर भी उपचुनाव होंगे। तो उपचुनाव तीन जगह फिलहाल, रामपुर, खतौली और मैनपुरी का उपसरा लोक चुनाव। चुनाव महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहां पर हम जिस तरह देख रहे हैं कि तमाम तरह की बातें चल रही हैं। रामपुर में तमाम नामों की चर्चा है, खतौली में तमाम नामों की चर्चा है और सबसे चर्चा यहाँ पर मैनपुर उपचुनाव की है। क्योंकि यहाँ पर जो सहानुभूति वोट है, जो सहानुभूति आधार है, वो कहीं ना कहीं अपने नेता की तरफ जाएगा, यानी उनके चहेते नेता दिवंगत मुलायम सिंह यादव। तो जहाँ समाजवादी पार्टी के लिए अपने गढ़ को बचाने की चुनौती है, तो वहीं बीजेपी के ऊपर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यह है कि अपना परचम उस किले में लहराना है जो अब तक अवैध रहा है। मैनपुर चुनाव का विषय है। और साथ ही साथ यहाँ पर समीकरण भी ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं राजनीति गर्म हो रही है। राजनीति इसलिए गर्मा रही है क्योंकि यहाँ पर सुनने में सूत्र ये बताते हैं कि समाजवादी पार्टी यहाँ पर तेज प्रताप यादव को अपना उम्मीदवार बना सकती है। शिवपाल सिंह यादव की नाराजगी कैसे दूर होगी? क्या वो अपने प्रसपा से अलग लड़ेंगे? और बीजेपी यहाँ पर किसको अपना उम्मीदवार बनाती है, ये भी बड़ा प्रश्न है। क्योंकि यहाँ पर हर चुनाव को उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, महत्वपूर्ण चुनाव मान के पार्टियाँ लड़ रही हैं, चाहे सत्ता पे काबिज भाजपा हो और चाहे विपक्ष के रूप में मजबूत समाजवादी पार्टी हो। निकाय चुनाव की तैयारी अलग है और साथ ही साथ यहाँ पर इन चुनावों से बहुत कुछ स्पष्ट होने वाला है। फिलहाल चर्चा महत्वपूर्ण है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आपको रूबरू करा दूँ। हमारे साथ प्रवक्ता आपके रूप में सैयद मोहम्मद तकी जी जुड़े हुए हैं।
हमारे साथ नेता भाजपा ग्रुप में विवेक श्रीवास्तव भाई अपना पक्ष रखेंगे, प्रोफेसर भवन भास्कर जोशी जी समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे, वीर प्रकाश मिश्रा भाई प्रवक्ता रालोट के रूप में अपना पक्ष रखेंगे और पवन श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो मेरा पहला सवाल रहेगा वो रहेगा प्रोफेसर भवन भास्कर जोशी से। जोशी जी, मैनपुर चुनाव है और यहाँ पर अपने किले को बचाना ही है, साथ ही साथ रामपुर खतौली में भी कुछ चमत्कार की उम्मीद रखना है। पर जाहिर सी बात है, आप विपक्ष की भूमिका में हो, यहाँ आपकी जिम्मेदारी भी है कि चुनावों को बेहतर तरीके से लड़ा जाए। और जिस तरह से अभी हाल में ही बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि सपा बोलती है कि बसपा सपोर्ट करती है और चुनाव नहीं लड़ती है और उसके कहीं ना कहीं लाभ मिलता है और कैंडिडेट उतार देती है तो उसका कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा हो जाता है, तो ये ट्वीट उन्होंने कहा, यहाँ तो चुनाव में किसी को नहीं उतारा, उसके बावजूद आप गोला कुकड़ नाट में हार गए, तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी को अपनी तरफ देखना चाहिए। कैसे देखते हैं, मैनपुरी के लिए तैयारी कैसे होगी, खतौली और रामपुर में किस तरह तैयारी के साथ जाएंगे? देखिए, मैनपुरी का जहां तक संदर्भ आपने कहा है, मैं कहना चाहता हूँ मैनपुर की जनता और माननीय नेता जी का जो एक आपस में पारिवारिक लगाव था, आपस में उनकी कर्मभूमि जन्मभूमि रही है जी। तो कहना चाहता हूँ वहाँ की जनता, वहाँ की आवाम तैयार बैठी है कि नेताजी को श्रद्धांजलि कैसे देंगे। अच्छा। और निश्चित तौर पे भारी मतों से जीता देने को तैयार बैठी है जी। और रही बात आपने जो कही है रामपुर के चुनाव की, मैं कहना चाहता हूँ कि जो प्रदेश सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश सरकार है, उसके द्वारा जो जुल्म सितम माननीय आजम पर हुए है, तौर पे उसका जवाब भी रामपुर की महान जनता देगी। अच्छा। और जहां तक विषय है खतौली का जी, मैं कहना चाहता हूँ जिन्होंने अपने भाषणों के द्वारा जी आम जनता को धार्मिक उन्माद में झोंक दिया, अच्छा, उसका जवाब भी देने के लिए वहां की जनता बैठी है। अच्छा। और निश्चित तौर पे हमारा और लोकदल का वहां बहुत मजबूत गठबंधन है। अच्छा। और निश्चित तौर पे हम लोग वहाँ भारी मतों से विजयी होने जा रहे हैं जी। ये बात मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ। जोशी जी, मेरे आपसे दो सवाल रहेंगे। ये तो आपने कहा कि जो आपने विक्रम सैनी पर आपने कहा है कि उन्होंने अपने भावनाओं से धार्मिक उम्मीद भड़काने की कोशिश की, आजम खान भी हेट स्पीच के मामले में गए थे, अच्छी स्पीच थी क्या? मेरे ख्याल अच्छी स्पीच नहीं थी, तभी सजा मिली। खैर वो अलग बात है, जवाब आप दीजिएगा। दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा, आपने कहा जुल्म-ओ-सितम किए हैं तो बार बार जनता सरकार क्यों बना देती है, जुल्म-ओ-सितम किसके ऊपर हो रहे हैं, समझ से परे है, जवाब दीजिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ आजम खान साहब पर एक 9 बार के जो विधायक है, सांसद है, पूर्व मंत्री है जी। और आप ये देखिए लगभग सभी सदनों में वो रहे जी। और इतने बड़े संवैधानिक पद पर रहकर बकरी चोरी, भैंस चोरी, किताब चोरी, इस तरह के मुकदमे लगा के सरकार केवल अब हंसी का पात्र बन रही है। अच्छा। और निश्चित तौर पे उसका जवाब वहां रामपुर की जनता देगी, क्योंकि माननीय आजम खान साहब ने रामपुर के लिए कितना विकास कार्य करा, एक उन लोगों के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाने का काम करा जो अभी तक पढ़ाई में, लिखाई में, अध्ययन क्षेत्र में पीछे रहे। अच्छा। उनकी ये बड़ी सोच थी। निश्चित तौर पर रामपुर का जनता उसका जवाब देगी जी। कि उन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए क्या किया और प्रदेश सरकार द्वारा उनका किस प्रकार उत्पीड़न किया गया। ठीक है। क्योंकि उन्होंने कभी भी धर्मनिरपेक्षता से और कभी भी इस देश के जो सद्भाव है उसकी लड़ाई को लड़ने का काम करा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। विवेक भाई, जवाब दीजिए भाई, आप जब जवाब की बात कर रहे थे, बोलिए विवेक भाई, बोलिए। देखिए गौरव जी, जी जो हमारे समाजवादी पार्टी की मित्र कह रहे जी हैं, वो हो सकता है समाजवादी पार्टी की किसी किताब में लिखा हो, वही पढ़ के बोल रहे हैं। अच्छा। जहां तक सब लोग जानते हैं कि आजम खान अपनी बदजुबानी के लिए जी कुख्यात है जी, और अदालत ने उनको उनकी बदजुबानी पे ही सजा सुनाई है जी। तो अदालत कोई भारतीय जनता पार्टी की एजेंसी नहीं है जी, न्यायपालिका भारत स्वतंत्र है, हमारे मित्र को मालूम होना चाहिए जी। और आजम खान जी देश के ताने बाने को चोट पहुंचाने के लिए 1965 से बदनाम है जी, जब युद्ध के लिए जाते हुए सेना की ट्रकों को पत्थर फेंका करते थे। अच्छा। तो आजम खान की इस तरह की हरकतें कोई नई नहीं है। अच्छा। और रही बात जनता का प्यार, तो अभी जो लोकसभा
सीट उनसे खाली हुई थी जी, उस पे चुनाव हुआ, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया जी। ये बकरी चोरी, ये किताब चोरी, ये जमीन हड़पने का काम, ये सिंचाई विभाग के नाले पे कब्जा करने का काम जी, ये वही रामपुर में उन्होंने किया है जी। ये सारी कारस्तानियां उनकी खुद की हुई हैं। अच्छा। और जेल भी वो अदालत के आदेश पे गए, कोई भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उनको नहीं भेजा। अच्छा। अपने कर्म से जेल गए जी। और सजा भी उनको अपने बोलने के कारण हुई है जी। तो ये सारी बदजुबानी उसी क्षेत्र में वो कर रहे हैं। जनता उनके इस बार बार चुनाव थोपने के कारणों से त्रस्त है। अच्छा। हमें पूरा विश्वास है कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को प्राप्त हुआ, इस विधानसभा के उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को प्राप्त होगा। रही बात मैनपुरी की, तो मैनपुरी के बारे में भी मैं इनके ज्ञान चक्षु खोल दूं। जी। देखिए नेताजी जी वरिष्ठ नेता थे, प्रदेश के सब लोग उनका सम्मान करते हैं जी। ठीक है, हमारी उनकी राजनीतिक मत भिन्नता हो सकती है, उनके हाथ कार सेवकों के खून से रंगे हुए थे, हम आज भी कहते हैं कि उन्होंने अयोध्या में हमारे कार सेवकों पर गोली चलवाई थी जी। इसके बावजूद भी हम लोग उनका सम्मान करते हैं जी। परंतु जब नेताजी की विरासत को आगे ले चलने की बात होगी तो जनता ये देखती है कि कौन उस विरासत को, कौन उस चीज को आगे ले चलने में सक्षम है जी। वो ताकत अखिलेश यादव में नहीं दिखाई देती। अच्छा। अखिलेश यादव उस कुनबे को एकजुट करके आगे ले चलने में सक्षम नहीं है। ऐसे में जिस तरह से सदन में भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता के लिए नेताजी ने बयान दिया था जी, हमें पूरी उम्मीद है कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमें भी मैनपुरी में प्राप्त होगा जी। चूंकि अखिलेश यादव उस विचार को, उस कुनबे को एकजुट करके आगे ले चलने में सक्षम नहीं है, ये तमाम मौकों पर सबके सामने चीजें आ चुकी है जी। तो आज स्थिति यह है कि कौन उत्तर प्रदेश को मजबूती से आगे लेकर के बढ़ सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी है जी। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश मजबूती से आगे बढ़ रहा है जी। रही बात कि इन्होंने कहा कि आजम खान 9 बार के विधायक हैं जी, 7-8 बार के विधायक तो मुख्तार अंसारी भी होंगे। विधायक बनने से अपराधी के अपराध करने की पवित्र ही खत्म हो जाती है। अतीक अहमद भी विधायक सांसद सब रहे हैं जी, ये सब अपराधी टाइप के लोग हैं। अच्छा अच्छा। ये राजनीतिक लोग रही है, तो आप मुख्तार अंसारी अतीक अहमद के साथ इनको जोड़ते हैं। विधायक बन जाने से अपराध की पवित्र ही समाप्त हो जाती है। अच्छा। तो जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अपराधियों से प्रदेश निजात पा रहा है, हमें पूरी उम्मीद है कि जनता जनार्दन हमें अपना आशीर्वाद उपचुनाव में भी देगी और हमारे प्रत्याशी दोबारा सदन की शोभा बढ़ाएंगे वहां से। विवेक भाई, अभी आपने जवाब नाम लिया मुख्तार अंसारी का, अतीक अहमद का, तो क्या यानी फिर इसमें आजम खान को शामिल करते हैं क्या? क्यों नहीं करते, वो भी आतंकवादी है, भी आतंकवादी है। अच्छा जय भाई, कैसे? बिल्कुल भाई, ये सेना को पत्थर फेंकता है जी, बदजुबानी औरतों के अधोवस्त्र के रंग बताता है, इससे बदजुबानी ज्यादा क्या होगी। ठीक है ठीक है, जवाब लूंगा अभी प्रवक्ता सभा से। हमारे साथ सैयद मोहम्मद तकी। तकी भाई, भाई आप करो यहाँ पर उपचुनाव में मेरे ख्याल से लड़ने का प्रोग्राम भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। आप तो ने कहा कि तैयारी चल रहा है, गुजरात में तो आपने कह ही दिया है कि हम तो स्वास्थ्य सरकार बनाने जा रहे हैं। खैर जो भी रहेगा, फिलहाल अभी फिलहाल प्रदूषण और तमाम मामलों पर हमारी पार्टी सरकार घिरी हुई है, और वहाँ से निकलते हुए निकाय चुनाव को लेकर क्या रणनीति बनाया अभी? देखिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की गोदी में बैठी हुई जो मीडिया है, कुछ पत्रकार हैं, वो बता रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया में जो प्रदूषण है उसकी वजह जो है वो दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार है। अच्छा। जिनको ज्ञान नहीं है, जिनका कॉमन सेंस बहुत कम है, जिनकी जनरल नॉलेज बहुत खराब है। अच्छा। उसको बताना चाहता हूँ मैं जी कि दिल्ली पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल के अंडर में नहीं है। अच्छा। और दिल्ली में एमसीडी भी है जो दिल्ली के अधीन है पिछले 15 सालों में जी। दिल्ली में केंद्र सरकार भी है और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार भी है जी। ठीक। तो जो दिल्ली पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल के काबू में नहीं है जी, 1/4 ही पार्ट उसके पास है, वो कैसे अरविंद केजरीवाल उसके जिम्मेदार हो सकते हैं? ठीक है। दूसरी बात, पंजाब में जो परोली जलाई जा रही है इसकी वजह से धुआं फैल रहा है, परोली जलाने की घटना कोई नहीं है, नहीं पिछले 7-8 सालों से हो रहा है जी। उसके पीछे भी वजह ये है कि यहाँ पे जो नहरों में पानी छोड़ा जाता है वो लेट छोड़ा जाता है। अच्छा। इसकी वजह से चावल की फसल में और गेहूं की फसल में फर्क बहुत कम हो जाता है, सिर्फ 15 दिन का टाइम मिलता है किसानों के को चलाने के अलावा उनके पास कोई उपाय नहीं। इसके लिए केंद्र सरकार ने और पिछली सरकारों ने मिल बैठे कोई काम नहीं किया है। अच्छा। केंद्र सरकार आज भी प्रदूषण लेके गंभीर नहीं है, ये सिर्फ अपनी सीट जीतने के लिए गंभीर है।
एक कहावत है वाटर वाटर एवरीवेयर जी, नॉट अ सिंगल ड्रॉप नथिंग। बीजेपी बीजेपी सब तरफ हो रही है। अच्छा, जब सीटें जितनी होती ना तो सीना ठोक कहते हैं भाई ये सीट भी जीत ली वो सीट भी जीत ली, और जो जिम्मेदारी उठानी बात होती है तो ये 70 साल का रोना रोने लगते हैं। अच्छा, ये दूसरी पार्टी को जिम्मेदारी बताने लगते हैं। यही लखनऊ जहाँ आप बैठे हैं उस लखनऊ में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी 5 बार एमपी रहे जी, उसके बाद लालजी टंडन जी एमपी रहे जी, फिर राजनाथ सिंह जी 2 बार से एमपी हैं जी। इसी लखनऊ शहर ने अच्छा। उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री भी दिए, रक्षा मंत्री भी दिए, गृह मंत्री भी दिए। इसी उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार भी 2 बार रही। इसी उत्तर प्रदेश इसी लखनऊ के अंदर जो है कई साल से 27 साल से मेयर भी बीजेपी के हैं। इसी लखनऊ ने उप मुख्यमंत्री भी दिए दिनेश शर्मा जी लखनऊ को, इसी लखनऊ ने बड़े लालजी टंडन मंत्री भी दिए, और पार्षद ही में भी 65% जो पार्षद है वो बीजेपी के हैं। पिछले कई सालों से लगातार 6-6 बार जो है पार्षद बने। उसके बाद भी लखनऊ शहर जिसको स्मार्ट सिटी कहते हैं अच्छा। उसका क्या हाल है, एक बरसात होती है सामने सच निकल आता है। अच्छा। अभी डेंगू चल रहा है जी। बहुत दूर की बात नहीं है, डेंगू चल रहा है, डेंगू से अस्पताल भरे पटे हैं। अच्छा। इलाज नहीं दवा नहीं। आज मैं खबर पढ़ा था अयोध्या, अयोध्या नगरी, इसके बारे में मोदी इतनी बड़ी बात करते हैं, वहां पीएससी में हेल्थ सेंटर में डेंगू के इलाज की दवा नहीं है, वहाँ सही व्यवस्था नहीं है, वहाँ लोग ऐसे ही मर रहे हैं डेंगू से, उनको इलाज नहीं मिल रहा। सरकार आंकड़ों में कमी करके पेश कर रही है। आज मुख्य खबर निकली है कि सरकार जो है वो आंकड़ों की कमी करके उसको गलत तरह से प्रस्तुत कर रही है। पहले भी आंकड़े गलत थे, अब भी आंकड़े गलत थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी जीत रही है लेकिन जनता हार रही है। ठीक है, हर जगह जनता हार रही है, चाहे स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे परिवार का मुद्दा हो, चाहे मेरी। आपने यहाँ कहा कि भाई अभी जवाब दूंगा, पहले मैं जवाब ले लूँ। तकी भाई, अभी आपने कहा कि बीजेपी और गोदी मीडिया, क्या हवा उल्टी आती है क्या? क्या हवा उत्तर प्रदेश से वापस पंजाब की तरफ जाती है, पंजाब से उत्तर प्रदेश की तरफ आती है? थोड़ा मुझे ये बताइए, शायद मीडिया को जानकारी नहीं है, आप बेहतर समझाइए हमको। दूसरी चीज़ ये कि पंजाब में 6 महीने आपकी सरकार है, ठीक, अगर दिल्ली के कुछ विभाग आपके अधीन नहीं है तो फिर स्पष्ट क्यों नहीं किया? तो फिर आप क्यों बोलते हैं कि 18 में हम सही कर लेंगे, फिर 21 में सही कर लेंगे, फिर आप बोला है कि फरवरी 2025 तक हम यमुना साफ कर लेंगे। वादे कहीं ना कहीं आप पर भी लागू होते हैं, सवाल आप पर भी लागू होते हैं। अगर सवाल पूछा जाता है तो उसका जवाब बेहतर ढंग से दिया जाए। मीडिया सवाल पूछती है, उसको आप गोदी नहीं, सुन लीजिए, चाहे इसको गोदी मीडिया कहे और चाहे इसको आप मीडिया के सवालों का, पर जो यथार्थ मैंने आपको बताया है, यथार्थ मैंने आपको बताया है, आप मैं बता दीजिए कि पंजाब से हवा उत्तर प्रदेश की तरफ आती है या उत्तर प्रदेश से वापस पंजाब की तरफ आती है, मुझे ये बता दीजिए। अगर अगर वापस जाती है तो सबसे ज्यादा प्रदूषण आपका जालंधर में होना चाहिए, पंजाब में होना चाहिए, जम्मू कश्मीर में होना चाहिए। जावेद अख्तर साहब ने शेर कहा है, पंछी नदियां हवा के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। अच्छा बात, सरहद इंसानों के लिए है। अच्छा। मैंने और तुमने, अरे यहाँ कौन सी क्या पाया, क्या पाया, क्या पाया इंसान हो, क्या गाना बहुत बढ़िया है। तो ये जो आप सरहद की बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी अपनी जिम्मेदारी मान रही है, केजरीवाल अपनी जिम्मेदारी, आप लोग अरविंद केजरीवाल को बहुत जिम्मेदार मानते हैं, जाहिर सी बात है, आईटी से पढ़ा हुआ आदमी है और बिल्कुल जिम्मेदार है, जिम्मेदार तो मानेंगे, जिम्मेदारी मान रहे हैं और पंजाब में भी जिम्मेदारी मान रहे हैं। हम भाग नहीं रहे, हम कह रहे हैं कि हम आपको बता रहे हैं उसके पीछे रीजन क्या है, और हम काम कर रहे हैं। 6 महीने के अंदर पंजाब बहुत बड़ा स्टेट है, कई 1000 हेक्टेयर जमीन है, हालांकि इस बार परोली क्रम जहाँ जली है लेकिन इतनी नहीं जली है कि उसका असर कम होता। तो हम उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, हम लोग वहां चले, जिम्मेदारी ले लीजिए, बात करते हैं। एक साल का जी ने, केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, मीडिया से बात करी थी, उन्होंने साफ तौर पे कहा था 1 साल का हमें समय दीजिए, 1 साल के अंदर आपको पंजाब जी बिल्कुल। लेकिन सिर्फ आप ये समझिए जो मैंने बात कही थी, ये समस्या जो है पूरे उत्तर भारत की, सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं, पंजाब की समस्या नहीं, की मानता हूं, उत्तर उत्तर भारत में राजस्थान भी है जहां कांग्रेस सरकार है, उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश भी है जहां बीजेपी की सरकार है, और वहां पे बहुत से राज्य जहां बीजेपी की सरकार है। तो सवाल सबसे उठेगा, मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी प्रवक्ता से, आप बता दिए मुझे पिछले 1 साल के अंदर इन्वायरमेंट को लेकर बीजेपी के प्रधानमंत्री ने, बीजेपी के एनवायरमेंट मिनिस्टर, स्टेट में क्या काम किया? 2 मिनट, 2 बातें कहूं 30 सेकंड में। बीजेपी लगातार गैस के रेट बढ़ा रही है, गैस महंगी हो रही है, आदमी क्या जलाएगा? तो चूल्हा जलाएगा, क्या जलाएगा, कोयला जलाएगा? अच्छा,
कोयले से क्या होगा, कार्बन डाइ निकलेगा। पूरे दुनिया के अंदर इस वक्त जलवायु परिवर्तन को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा है। अच्छा। जलवायु परिवर्तन की मेन वजह क्या है? कार्बन इमिशन। अच्छा ठीक है, अगर आप वाकई में प्रदूषण कम करना चाहते हैं तो आप गैस सस्ता करते, डीजल क्रूड ऑयल सस्ता करते और आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर आते, अल्टरनेटिव एनर्जी पे काम करते। कितना काम किया आपने जी, बिल्कुल। तो मीडिया में आके बोलना और इल्जाम लगाना, हम इसकी गंभीरता को समझते हैं। हमने दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को लेकर पॉलिसी लेके आई, आज भी उत्तर प्रदेश जो उत्तर प्रदेश है वहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके इनकी जो पॉलिसी अभी लागू नहीं हुई है, जनवरी से लागू होगी जी। तो ये इतने लेट लतीफ लोग हैं, ये केजरीवाल को देख के जागते हैं। अच्छा। और जो मुद्दा दिल्ली में होता है, पंजाब में होता है, केजरीवाल लतीफ आप लोग हैं, केजरीवाल जी को फॉलो करते हैं भाई आप लोग। ठीक है ठीक है, जवाब अभी देता हूँ भाई, अभी जवाब लेता हूँ आपसे। हमारे प्रवक्ता रालोट जोड़े हुए हैं इस समय, वेदप्रकाश जी। वेदप्रकाश जी, चिट्ठी आई जो भी रहा, फिलहाल यहाँ पर जो परिणाम है वो ये है कि खतौली की सीट रिक्त हो गई है, वहाँ पर चुनाव होंगे। खैर, पहल कोई भी किया हो, और क्या रणनीति रहने वाली है? क्या प्रमुखता जिस तरह से लेटर जारी करके जयंत चौधरी ने दिखाई थी, तो इस बार क्या वहां पर रालोट का उम्मीदवार उतरेगा समाजवादी पार्टी की तरफ से? 100% वहां राष्ट्रीय लोकदल का उम्मीदवार लड़ेगा। और चलिए बात, हम लोगों की आपस में बातचीत चल रही है। चलो, मैं सही जगह आया नहीं? हमारे मित्र जी, हमारे मित्र संगठन है जी, समाजवादी पार्टी से हमारी वार्ता चल रही है और इस संबंध में बहुत जल्द निर्णय आ जाएगा जी। रही बात पत्र लिखने की, तो पत्र लिख करके आगाह किया गया था जी कि सरकार की या माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय की लेखनी से निर्णय में भिन्नता नहीं होनी चाहिए, वो चाहे पक्ष हो या विपक्ष जी, हो जी। उन्होंने निर्णय लिया और आज वो पद रिक्त हुआ है जी। उसके ऊपर हम लोग चुनावी रणनीति तैयार कर रहे हैं जी, और बहुत ही जल्द वहां प्रत्याशी की घोषणा होगी जी, और जो कुछ होगा वो आप सब लोगों के सामने आएगा। सीट बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे? नहीं, 100% सीट बचा पाएंगे। बोला घटना ने बचा रहे थे आप अभी स्थिति थी, पूरी सरकार भ्रष्टाचार में संलिप्त है। अच्छा। देखिए, आज किसानों के साथ जो धान खरीद हो रही है उसमें भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर हो रहा है। सीतापुर जनपद में ये वोट कौन देता है सरकार को समझ में नहीं आता है कि वोट कहाँ चला जाता है जब बात भ्रष्टाचार की होती है, पर जनता जनार्दन से वोट क्यों नहीं लेती, समझ में नहीं आता। मेरे तो मेरे पास यही प्रश्न होता है बेर जी। ऐसा है गौरव जी, चुनाव जीत लेना इस बात का पैमाना नहीं है कि प्रदेश भ्रष्टाचार से मुक्त हो गया है। अच्छा। क्या महंगाई से मुक्त हो गया है? बिल्कुल नहीं हुआ है। चुनाव जीतना इस बात का पैमाना नहीं है कि पूरे देश की प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को ही एक स्वीकार कर लिया जी। है, ऐसा कुछ नहीं है जी। ये ठीक है, जनता हमें अभी जनादेश नहीं दे रही है सरकार में बैठने का, हम उसके जनादेश का स्वागत करते हैं। अच्छा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जिस पार्टी में जब इस बात का दावा किया जाता है कि पूरे प्रदेश को हम भ्रष्टाचार मुक्त कर रहे हैं। अच्छा। हम उस दावे का स्वागत करते हैं, ठीक। लेकिन जहां कहीं भ्रष्टाचार होता है उजागर करना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है जी। और उसको पर हम आगाह करते हैं, ठीक। चुनाव जीत लेने से ये प्रमुखता नहीं हो जाती है कि प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है, ठीक है। ठीक है, जनता का जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, वो सरकार में है, वो सत्ता में रहे। हमको जनता ने कहा है कि आप विपक्ष की भूमिका अदा करिए, हम अपनी विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं और सरकार को समय समय पर आगाह कर। तो उपचुनाव में भी क्या स्थिति है, हार मान ली है क्या आपने जी? उपचुनाव में क्या स्थिति है? उपचुनाव हम चुनाव जीतेंगे। अच्छा, जीतेंगे। स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। अच्छा। खतौली की सीट, अच्छा, और जो रामपुर और मैनपुरी की सीट है जी, ये हमारी परंपरागत सीटें हैं। अच्छा। इसमें कोई हस्तक्षेप या किसी भी प्रकार की ऐसी कोई बात होने की कोई उम्मीद ही नहीं है। अच्छा। हम कहां पर इस बात को कह रहे हैं कि हम इन सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं जी, या इस पर प्रमुखता से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं जी, या हम भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने से कहीं भाग रहे हैं? नहीं, नहीं। जनता वहां के हमारे पक्ष में है जी, और वहां बदलाव होगा जी। तो खतौली की सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी, अभी चुनाव परिणाम आएगा तो आप उसका निर्णय देख लीजिए। ठीक है, ठीक है बेटी, ठीक है बेटी जी। हमारे साथ पवन जी जुड़े हुए हैं। पवन जी, सारा आपने सुना, सबकी बातें सुनी, जोशी जी, विवेक जी, तकी भाई और प्रवक्ता रालोट वेदप्रकाश मिश्रा जी, भाई यहाँ पर चुनौती तो है, साथ ही साथ यहाँ पर उत्साह भी है कि पुरानी सीटें हैं और जरूर जीतेंगे। साथ ही तकी भाई भी पूरी दमखम के साथ आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रहे हैं,
कैसे देखते हैं आप? गौरव जी जी, यहाँ पे समाजवादी पार्टी के लिए जी विरासत को बचाने की प्रक्रिया है जी, किसी भी तरह से जी उस विरासत को बचाना आवश्यक है, समझिएगा जी। ये लेकिन जो समय चल रहा है, समय के हिसाब से मेहनत करना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी मुझे लग रहा है जी कि एड़ी चोटी लगा करके जी उस सीट पे भी कब्जा कर लेगी। अच्छा, ये सच्चाई है। सच्चाई को लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। रामपुर की स्थिति भी देखिएगा, प्रचार शुरू होगा, देखिएगा क्या स्थिति बनता है, कैसे लोग जाएंगे प्रचार करने के लिए, कितना मेहनत करते हैं जी। ये सारी चीजें हैं जी। लेकिन एक सच्चाई ये है कि अहंकार किसी को नहीं होना चाहिए जी, बिल्कुल। जिसकी भी सरकार है, विपक्ष है, उसकी भी भूमिका होती है। लेकिन स्थितियां इस समय यह है कि किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी सीट गंवाना नहीं चाहती है। माननीय नेताजी, स्वर्गीय नेताजी की जितने लोग यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के नेता वहाँ श्रद्धांजलि देने गए हैं, इतने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं पहुंच पाए हैं जी, इसको आप समझिएगा जी। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स व्यू हैं जी। मेहनत करना पड़ेगा, धरातल पे आना होगा, केवल चिल्लाने से कुछ नहीं होगा कि हाँ भाजपा कर रही, भाजपा कर रही। देखिए अभी इस चुनाव में भी उपचुनाव हुआ है, दो दिन पहले रिजल्ट आया है, हमने आपसे यहीं पे बताया था क्या होने वाला है। चिल्लाने से कोई मतलब नहीं है, चिल्लाने से कोई मतलब नहीं, आप धरातल पे कितना काम करते हैं। अच्छा, हम इस पे अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता महोदय कुछ बोल रहे थे जी, हो सकता आवेश में आकर के जब मन के अंदर गुस्से होते हैं तो बहुत सारी बातें निकल जाती हैं। नहीं, उत्साह में वो गुस्सा आ जाता है, कभी कभी आ जाता है, रोक नहीं पाते हैं। देखिए ये वही मीडिया है, हम आपसे बताना चाहेंगे, वही मीडिया है कि जिसने दिल्ली की ताज आपको दी जी, उस समय जी, क्योंकि हम लोग केजरीवाल जी को जो देख रहे थे, हमारे मीडिया बंधु जो देख रहे थे केजरीवाल को, उसको हम लोग बैठाना चाह रहे थे गद्दी पे। बैठाना मतलब उनकी अच्छाइयां जो हैं वो रखा गया, जनता ने उनको पसंद किया, उनकी आंदोलन को पसंद किया जनता ने, तब वहां पे राजगद्दी सिंहासन पे वो बैठे हैं। अगर आज वो ये कह रहे हैं कि भाजपा नहीं करने दे रही, भाजपा का भी रोल है, हमारे पास कुछ नहीं है, हथियार अगर खाली कर दे रहे हैं, तो मुझे लगता है केजरीवाल जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये कहकर कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी है, मुझे करने नहीं दे रही। अभी हम रात्र में दिल्ली में ही थे, रात में दिल्ली में ही थे, हम सुबह की फ्लाइट से आए हैं। लेकिन ये कहना दुर्भाग्य होगा कि जो जिस मकसद से दिल्ली में उनको सिंहासन दिया गया उस पूरा नहीं कर पा रहे। आप उत्तर प्रदेश देख रहे हैं, लखनऊ देख रहे हैं, आप सभी लोगों को काउंट करा दिया कि यहीं पे सांसद, यहीं पे मुख्यमंत्री हैं। लखनऊ लखनऊ केवल सांसद और महापौर के लिए नहीं है, ये उत्तर प्रदेश का मुख्यालय है, यहाँ पे विधानसभा है, यहाँ पे कोई भी पार्टी बने लखनऊ का विकास होना ही होना है, और लखनऊ का विकास है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जितनी योजनाएं, जितने ब्रिज, जितने मेट्रोस, ये सारी आए हैं, चाहे अखिलेश यादव लेके आए हैं, चाहे बहन मायावती लेके आई हैं, और चाहे आज आदित्यनाथ योगी लेके आ रहे हैं, इस सबको लाना पड़ेगा, ये मुख्यालय है। और अब गांव में भी विकास करना पड़ेगा जी, अगर विकास नहीं करेंगे तो चल नहीं पाएंगे। एक निवेदन हम यही कहेंगे कि वो आम आदमी के प्रवक्ता महोदय जी से कि ये जो गोदी मीडिया और मोदी मीडिया जो भी है आप लोग समझ रहे हैं, ये जब आपके फेवर में होता है तो ये अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर आपके खिलाफ बोलते हैं, जो आपकी गलती है, आप हेल्थ अपने देख के आइएगा, जितने आपके हेल्थ आपने डिब्बे खोल रखे हैं उसकी स्थिति क्या है, हम आपको फोटो दिखाएंगे, हम आपको दे रहे हैं गौरव जी, हम फोटो खींच के लाए वहां से, आप चलाइए इसको, आप दिखाइए कि हाँ वहां की जो हेल्थ के डिब्बे बना के रखे हैं उसको चलाने की आवश्यकता है। आप इन्हीं की हम गलती नहीं रहे, आप भारतीय रेलवे स्टेशन पे, भारत के किसी भी रेलवे महानगर स्टेशन पे पानी की व्यवस्थाएं की गई थी, मशीन से ऑटोमेटिक पानी निकलेगा, आरओ का पानी निकलेगा, आप जाइए किसी भी स्टेशन पे देख लीजिए उसकी स्थिति क्या है। आप काम करिए, काम अगर अच्छा कर रहे हैं तो आपका बखान मीडिया मजबूर होकर करेगा, मजबूरी है, मजबूर होकर करेगा जी। हम चाहते हैं आप आइए जी, सब लोग हमें, जब तक अच्छे अच्छे लोग नहीं आएंगे, शिक्षित लोग नहीं आएंगे, तो देश का भला नहीं हो पाएगा। लेकिन इसका ठिकरा मीडिया पे फोड़ना ये उचित नहीं है जी। पवन श्रीवास्तव जी को मैं जवाब दे दूं जी, बोलिए बोलिए। देखिए मैंने कहीं से जिम्मेदारी ना लेने से इंकार नहीं किया जी, गोरी मीडिया शब्द कहा ना आपने, जिस तरह से मीडिया प्रखर होकर आम आदमी पार्टी सवाल पूछ रही है, पूछेगी आप वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने आज तक, आप सरकार में है, आज तक मोदी जी ने कोई प्रेस सवाल हमेशा नोटबंदी को 6 साल हो गए,
नोटबंदी को छठा साल है, आजादी की नोटबंदी लगी थी, मोदी क्या मीडिया ने फखर होकर सवाल पूछा मोदी से कि बताइए छह साल आपने, छह साल में क्या फायदा हुआ? अरे बहुत फायदे हैं सर, आप बिना जेब में बिना पैसे के आप चले जाइए। अच्छा। मोबाइल केवल मोबाइल रखे आप कहाँ जा रहे हैं सर, आप मोबाइल में जाइए। छह साल पहले भी पेटीएम यूज कर रहा था, आप मोबाइल लोग इस्तेमाल दिल्ली के अंदर धुआं नहीं पैदा हो रहा है सर, अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं करने दे रही है तो भारतीय जनता पार्टी ने इस्तीफा दीजिए ना सर, आप मीडिया के सामने आए इस्तीफा दीजिए, हमको सरकार नहीं चलाने दे रहे हैं, भाजपा सरकार नहीं चलाने दे रही है, नहीं दे पा रहे हैं जब करने के पा रहे हैं से वो इस्तीफा दे दे, वो ना काम करने दे रहे ना काम कर रहे, कह रहे हैं अगर ना वो काम नहीं करने दे रहे स्कूलों को देख पा रहे हमारे अपने स्कूल दिखा पा रहे नहीं 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 बीजेपी के को तो चैलेंज किया, अब यही गलत है ना, यही गलत है। आप उत्तर प्रदेश में गोंडा जनपद में एक ब्लॉक है छपिया, वहाँ का एक प्राइमरी स्कूल जाके देखिए, ये एशिया एशिया का आप ऐसे मत जाइए, बनाने आए थे क्या छह साल में एक स्कूल बनाने आए हैं एक नहीं, आप किसी प्राइमरी स्कूल में जाइए, इनका बनाया हुआ क्या नहीं, वो अखिलेश का बनाया है, मायावती जी का बहन जी का बनाया हुआ है, ये भाजपा का बनाया हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत पूछे उत्तर प्रदेश के बराबर आठ साल में आप बनाइए कांग्रेस करिए, कितनी बार मीडिया के सवालों का जवाब दिया है, दिल्ली का भी आप बनाइए, मीडिया को आप बैठा के कहते हैं कि आप कैसे खाते हैं, आप काट खाते छील खाते, उत्तर प्रदेश में मुझे समझ में नहीं आता है, मीडिया का सम्मान नहीं हो रहा है, वो मीडिया अपने लेकर आवाज नहीं उठा रही है, तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं नहीं, ये आपको लग रहा है भैया, यहाँ मीडिया सम्मान नहीं हो रहा है तो कम से कम गोदी मीडिया संबोधन ना दिया जाए भाई, कुछ भी कहिए गोदी मीडिया संबोधन ना दिया जाए, हमें अपना कर्तव्य मालूम है, मुझे धर्म अपना मालूम है, हम केवल इतना कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में आपको भी राजनीति करना है, उत्तर प्रदेश किसी से कम नहीं है, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए सर, आप ना उत्तर प्रदेश की युवा कमजोर है, सबसे गरीब प्रदेश है भारत के, अरे सर कहाँ पे है सर, अरे कहाँ से है सर, बेरोजगारी सबसे ज्यादा, अरे सर उत्तर प्रदेश आप उत्तर प्रदेश और बिहार को हो रहे हैं, आपके लखनऊ में गड्ढे एक एक डेढ़ किलोमीटर के अंदर 450 अभी रात में मौके आए हैं, अखबारों में रिपोर्ट आ रही है, आप ही के लोग छाप रहे हैं उसके अंदर, तो आप पढ़िए अपनी रिपोर्ट नहीं पढ़ पा रहे हैं, अरे रिपोर्ट क्या नहीं पढ़ पा रहे हैं सर, रिपोर्ट पढ़ पा रहे हैं, अभी छाप रहे तो मालूम पड़ रहा है, उत्तर प्रदेश की तुलना दिल्ली से नहीं कर सकते, देश की राजधानी और प्रदेश की राजधानी एक चीज समझिएगा सर, वहाँ किसी की भी सरकार हो विकास वहाँ भी होना है, लेकिन वहाँ अगर आपको जिम्मेदारी दिया गया है तो आप उसका विकास करिए, वही योजनाएं आप यहाँ भी लाइए, आप वादा करिए, लेकिन अब आप यहाँ कमियां आप देख रहे हैं, कमियां उत्तर प्रदेश में नहीं है, इसको नोट कर लीजिए, आप किसी भी क्षेत्र में जाइए जहाँ उत्तर प्रदेश बिहार को आप रख लीजिए, आप बिहार को भी कमजोर नहीं कहेंगे सर, लखनऊ के अंदर चले ठीक है, अरे सर मेरा काम है, आप चलिए जब इच्छा हो हम टहला दें आपको, चलो ठीक है आपको टहला देंगे, ठीक है। विवेक भाई कुछ कह रहे थे आप, विवेक भाई देखिए गौरव जी जी मैंने तकी जी को भी सुना जी, वो गोदी मीडिया और तमाम इस तरह का संबोधन दे रहे हैं जी, और उन्होंने एक पंक्ति और कही, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया जी, कि भाजपा तो जीत जाती जनता हार गई है। अच्छा, इनके इस बयान में आप गुजरात और हिमाचल के चुनाव के परिणाम को देखिए। अच्छा, स्वीकार कर लिए अपने लिए जी, ये हार स्वीकार कर लिए क्या, ये अपना पैसेज तैयार कर लिए हैं। अच्छा तैयार कर लिए हैं। अच्छा, जिस रास्ते इनको हार स्वीकार करना उसी लाइन को पकड़ के चलना शुरू कर दिया। अच्छा, ऊपर से आया है क्या? अच्छा, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, देखिए उसी मीडिया ने इनको गुजरात चुनाव में जी एक मुद्दा बना रखा है जी, उसी मीडिया को कोस रहे हैं जी, अगर मीडिया इन्हें ना बुलाए तो गुजरात में इनका जमीन पे कुछ है ही नहीं जी, हिमाचल में पहले इन्होंने ताना था, फिर इनके पते सब दक्षिण भाजपा में चले गए जी वहां तो सरेंडर कर चुके हिमाचल में। अच्छा, गुजरात में इनको भी मीडिया ने तान रखा है जी, लेकिन वहां भी जमीन पे इनका कुछ रही है जी, आप देख लीजिएगा जिस दिन परिणाम आएगा जी, ये दोनों जगह इनके खाते नहीं खुलने वाले, ना हिमाचल में ना गुजरात में। अच्छा, एक भी सीट पे इनका खाता नहीं खुलने वाला। अच्छा, लेकिन इसी मीडिया ने इनको गुजरात चुनाव में एकदम
तान लक्का दिखा रहे किसे कांग्रेस नंबर दो नंबर तीन की लड़ाई चल रही है, सत्ता से परे है। इनके बयान में इस मीडिया ने आपके लिए काम किया, उसी हार को स्वीकार करने का रास्ता आपको दिख जाएगा जी। जिस तरह से गोदी मीडिया वो कह रहे हैं कि भाजपा जीतती जनता हार जाती है, अरे जनता जब बीजेपी को आशीर्वाद देती है तभी बीजेपी जीतती है जी। और ये आशीर्वाद एक दिन में नहीं मिलता, ये सालों साल की मेहनत कार्यकर्ताओं के जनता के बीच रहने पे, नेताओं के काम पे, सरकार की छवि पे, नेताओं के चेहरे पे बहुत फैक्टर होते हैं, तब जाके जनता जनार्दन आशीर्वाद देती है और लगातार आशीर्वाद देती है। ये भी कोई एक बार में संभव नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी ने भारत में यूपी में रिकॉर्ड तोड़ा है, आजादी के बाद कोई पहला मुख्यमंत्री जो पूरी सरकार से रिपीट हुए है जी। ये एक दिन में नहीं होता है जी। इसके लिए सालों की मेहनत लगती है, कार्यकर्ताओं की ईमानदारी, कार्यकर्ताओं की निष्ठा, नेताओं की ईमानदारी, नेताओं की त्याग तपस्या, बहुत सारे फैक्टर जुड़ते हैं, तब कोई बीजेपी जैसा दल खड़ा हो पाता है। ये एक दिन में नहीं खड़ा होता। आम आदमी पार्टी जिस कोशिश में है जी। वो एक दिन में कोशिश नहीं कंप्लीट होगी, बहुत मेहनत करने की जरूरत होती जमीन पे। इनको समझाइए कि मीडिया को कोसने से और कभी मीडिया के पीछे खड़े होने से जगह नहीं मिलती, मीडिया सवाल उठा रही है, जनता के लिए संघर्ष करने से मिलती है जगह। ठीक है, ठीक है बेबी भाई जोशी जी, आप भी जब बातें हो रही थी तमाम आपके चेहरे पे मुस्कान थी भाई। यहाँ पर घटनाक्रम ऐसा रहा, मेरी वार्तालाप भी रही, तकी भाई के भी बयान रहे, बेबे भाई के बयान रहे, पवन जी ने बहुत अच्छा मूल्यांकन किया भाई। क्या स्थिति रहने वाली है? बेबे भाई तो बोल चुके हैं कि हार रहे हैं, केवल खाना पूर्ति है। तो मैं जितना मैं कहना चाहता हूँ मैनपुरी के चुनाव के बारे में जी, अभी दिवाली गई है आपसे, पूरे देश और प्रदेश ने देखा, लेकिन मैनपुरी क्षेत्र की जनता ने दिवाली नहीं मनाई। अच्छा, क्योंकि मैं भी वहां पर दो बार वहां पर जाना हुआ मेरा भी श्रद्धांजलि देने के लिए जी। तो जब लोगों से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि कोई परिवार ने दिवाली नहीं मनाई। अच्छा, ये बताने काफी है कि नेताजी का किस कदर वहां पर पारिवारिक नाता था, उनका संपूर्ण जीवन समर्पित, मन समर्पित और ये सारा जीवन समर्पित, इस बात को अगर मैनपुरी को दिया तो केवल केवल जी। और वहाँ की जो आवाम है वो तैयार बैठी है अपने श्रद्धांजलि देने का, और वो रिकॉर्ड बनाना चाहती है मैनपुरी में जो श्रद्धांजलि हो वोटों की, वो इतनी भारी संख्या में होने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी उसका भी नहीं कर सकती, क्योंकि नेताजी का जो वहाँ के लोगों से एक नाता था, परिवार का नाता था, वो हर हर एक के सुख दुख में पूरे जीवन खड़े रहे। पूरा जीवन अगर आप उनका दे, उनके घर पे कोई आ गया तो निराश होके नहीं गया, और उन्होंने उस बैरियर को भी तोड़ने का काम करा, पक्ष और विपक्ष का जो बैरियर होता है उसको भी तोड़ने का काम करा। नेताजी की एक व्रत सोच के अगर उनके घर पे कोई आ गया और उसका को उन्होंने सुना तो जो हल करने के लिए उनको करा, चाहे वो व्यक्ति उनको वोट दे चाहे ना दे। इस तरह के राजनेताओं में अगर गिनती होती केवल नेताजी की गिनती उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। और मुझे भी 27 साल के राजनीतिक जीवन में बहुत सारे नेताओं के गृह क्षेत्र में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन बड़ी खुशी होती है कि मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जहाँ पर नेताजी के बाद माननीय अखिलेश यादव जी हैं जिन्होंने अपने गृह क्षेत्र को स्वर्ग बनाने का काम करा। मैं बहुत सारे मुख्यमंत्री में गया हूँ देश में, प्रदेश में, राय नहीं मिल पा रही है, किसको चुनाव लड़ाएंगे, सूत्र तमाम तरह के चल रहे हैं, जो प्रसपा प्रमुख है सतपाल सिंह यादव उनको कैसे आप मनाएंगे, तमाम तरह की जानकारी मिल रही है। कुर्मे को यहाँ पर एकजुट करना बहुत जरूरी है, मेरे ख्याल से पहली चुनौती तो वही होगी आपके लिए। देखिए, हमारे समाजवाद में एक बात तय है जी, कि जब तक टिकट घोषित नहीं होता आलाकमान के द्वारा, अच्छा, तब तक तो प्रतिस्पर्धा रहती है। अच्छा, और जब टिकट की घोषणा हो जाती है सब उसको नेता परिवार के प्रतिस्पर्धा ठीक नहीं लग जाते हैं, परिवार के प्रतिस्पर्धा ठीक नहीं, पर कैसे देखते भैया आप? परिवार कार्यकर्ता का भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है, हर सीट पे होता है, तो वो तय हो जाता है, तय हो जाएगा निश्चित समय पे। अभी तो अधिसूचना जारी हुई है और डेट डिसाइड हुई है, धीरे धीरे प्रोसीजर क्लियर होते जाएगा और आवाम को पता चलेगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ जिम्मेदारी से, मैनपुरी का चुनाव भारतीय जनता पार्टी
वर्सेज मैनपुरी की जनता होने जा रहा है, ये बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूँ। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी जनता के बीच में रहेगा, ठीक है। विवेक भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताइए। विवेक जी बोलिए। देखिए, गौरव जी इन्होंने बहुत उससे कहा कि मैनपुरी की जनता ने दिवाली नहीं मनाई जी। मैंने अखिलेश यादव जी की दिवाली के दिन बांके बिहारी के दर्शन करते हुए तस्वीरें देखी है जी। तो दिवाली मना रहे थे जी। ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव या वहां के लोग दिवाली नहीं मना रहे थे जी। तो इन बातों का कोई मतलब नहीं है जी। नेताजी का सब लोग सम्मान करते थे, हम भी सम्मान करते, तमाम राजनीतिक विरोधाभास के बावजूद भी हम उनका सम्मान करते व्यक्तिगत तौर पर। चुनाव वहाँ होने जा रहा है, सब जानते हैं कि नेताजी के कुनबे को अखिलेश यादव एकजुट करके ले चलने में आगे सक्षम नहीं है। वो तमाम अवसरों पे सिद्ध हो चुका है, तमाम उन्हीं के परिवार के लोग बयानबाजी अपनी कर चुके हैं। हमें पूरी उम्मीद है जिस तरह से हमारा जनता पे काम है और हम चुनाव में जिस तरह से उतरेंगे, हमें जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलेगा। रामपुर की विधानसभा, मैनपुरी की लोकसभा, दोनों हम जीतने जा रहे हैं जी। ठीक है, तकी भाई जी, आप बोलिए भाई, कुछ बोलना चाह रहे थे। देखिए, चक्कर ये है कि जनता जो है, वही जनता जब जो जिताती है, वही जनता जब अपने अधिकारों की बात करती है। जनता की बात तो करिएगा आप, गोडी मीडिया की बात मत बोलिएगा। जनता की देखिए, ऐसा है कि मीडिया तो सबको पता है क्या चल रहा है, मीडिया आपकी भी है, आपकी गोडी मीडिया मेरी भी है, और मैंने सारी मीडिया हाउसेस के बारे में कहा। उत्तर प्रदेश सरकार, आप कह रहे हैं दिल्ली सरकार में आपने गोदी मीडिया का सहारा लिया था, आप गोडी बैठाए थे क्या? नेता तो बहुत बढ़िया होते हैं सर, आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी ने हर चीज को जैसे तो बड़ी मीडिया बोल लीजिए, बड़ी मीडिया बोल लीजिए, गोदी मीडिया क्यों बोल रहे भाई? अरे सर, मैं बोलूं या आप ही बोल लिया? भारतीय जनता पार्टी ने हर चीज को दो चीजों में बांट दिया है। जी। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं वो असली हिंदू हैं। अच्छा। जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है वो इनके हिंदू होने क्वेश्चन मार्क। अभी कह रहे थे कि वो दिवाली के दिन भगवान के दर्शन करने गए थे। अरे अगर आदमी दिवाली के दिन भगवान के दर्शन करने जा रहा है कि दिवाली बना ली उसने? अच्छा, दिवाली एक विशेष दिन होता है, साल में एक बार आता है, आदमी भगवान के दर्शन करने चला गया, अब कह रहे उन्होंने दिवाली बना ली उन्होंने। तो ये कंट्रोल करेंगे, ये बताएंगे कि हिंदू धर्म में क्या होता है? ये हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं? अरे हिंदू धर्म में बहुत से लोग हैं। अच्छा, अखिलेश यादव भी हिंदू हैं, मुलायम सिंह यादव भी हिंदू थे, अरविंद केजरीवाल भी हिंदू हैं, मनीष सिसोदिया भी हिंदू हैं, संजय सिंह भी हिंदू हैं, अतिशी भी हिंदू हैं, सोनिया गांधी, जवाहरलाल नेहरू भी हिंदू थे, वो भी ब्राह्मण थे, सब बहुत सारे हिंदू रहे और ये हिंदुओं को बता रहे हैं कि हिंदू नहीं होता है। तो इसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने हर जगह डिवीजन कर दिया, जो इनके साथ अभी हम कहते हैं ये अल्पसंख्यक को बुरा कहते हैं, लेकिन इनकी पार्टी में संख्या बहुत सारे बता रहे हैं आप, कालनेमी टाइप के हिंदू हैं इनके, इनके अल्पसंख्यक बहुत हैं, मुसलमान बहुत इनकी पार्टी में, कहते हैं कालनेमी टाइप के लोग हैं, कालनेमी टाइप के हिंदू इनकी भाषा देखिए। मैंने ये सुनिए, ये हिंदू मुस्लिम कहां गया भाई? देखिए, उन्होंने कहा, सपा के प्रवक्ता जी ने कहा जी, कि उस दिन जो है मैनपुरी दिवाली नहीं मनाया गया। विवेक जी ने कहा कि उस दिन भी उन्होंने पूजन अर्चन किया, दिवाली पूजन अर्चन ही होता है हमारे यहाँ, पूजन अर्चन किया और फुलझड़ियों का ट्विटर पे आप देखेंगे मिल जाएगा आपको, समझिएगा मेरी बात को। तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने भी मनाया था, मैनपुरी में हमारे रिलेटिव है, कहा नहीं मनाया दिवाली को? नहीं, लोग ने मनाया है, ये गलत चीज है। हाँ, संवेदनाएं हमारी हैं, एक नेता एक देश ने दिवाली मनाया, बनूगर बनाया, बच्चों नहीं नहीं, ये कैसे कहे, नहीं ये कैसे, नहीं नहीं साबित करना चाह रहे हैं, ये कैसे कहा जा सकता है? आप क्या साबित करना चाह रहे हैं भाई? ये कैसे कहा जा सकता है सर, दिवाली हमने नहीं मनाया सर, ये कैसे कह देंगे? मुझे नहीं, वो गलत कह रहे हैं सर जी, वो कैसे कह देंगे दिवाली? बोले 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 बोले, क्या बोला? ये गलत बात है सर। बोले भाई, बोलिए बहुत जैसी एक जरा शांत कराइए। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, मैंने कहा था कि जिस प्रकार की संवेदनाएं पूरे देश और प्रदेश में नेताजी के प्रति थी और जो भावना पूरी उनका गृह क्षेत्र था, और ऐसा मैंने कहा कि बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं कि सारे लोग, अब ये तो लेकिन बहुत सारे लोग जिनकी भावनाएं नेताजी से जुड़े थे, जिनके साथ नेताजी सुख दुख में खड़े थे, उन लोगों ने दिवाली नहीं मनाई, ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से। अखिलेश यादव की भावना नेताजी से जुड़ी थी जी। जवाब दीजिए भवन जी, जवाब दीजिए भवन जी, क्या कह रहे हैं? बोला अखिलेश जी की भावना नेताजी जुड़ी थी?
लेकिन जिस प्रकार का ये आरोप लगाने में भारतीय जनता पार्टी की महारत हासिल है, मैं कहना चाहता हूँ सपरिवार दर्शन कर रहे हैं, क्या मतलब भावना नहीं जुड़ी जिस तरह की बातें करना मानवीय संवेदना, लगता है कि मानवीय संवेदना जो लोग नहीं समझते उनकी बात का जवाब देना भी उचित नहीं समझता। मानवीय संवेदना नहीं समझते, थोड़ा कम समझदार है आप, समझा दीजिए जी। बेबी भाई बोल रहे हैं आप लोग मानवीय संविधान नहीं समझते। गौरव जी के मान थोड़ा सा हमें समझा दे भवन जी, अखिलेश यादव जी से परिवार दर्शन कर रहे थे, मैं कहना चाहता हूं बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं अखिलेश यादव की भावनाएं अगर किसी के पिता का सहायक से चला जाता है उस समय आप विपक्ष है, लेकिन आपका आपका क्या कर्तव्य है इस तरह की बातें करना, प्रयोग करना, जिस तरह की बातें आप करते हैं। समय काल को तो देखिए, कौन से कालखंड से माननीय अखिलेश यादव जी गुजर रहे हैं, निश्चित तौर पे इससे बड़ा देश प्रदेश और देश नहीं बनेगा। देश और प्रदेश तब बनेगा जब मानवीय संवेदना उसमें जीवित रहेंगे। निश्चित तौर पे ये बातें भारतीय जनता पार्टी के अहंकार की निशानी है, जिस तरह की भाषा का प्रयोग ये लोग कर रहे हैं। ठीक है ठीक है बेर भाई, यहाँ पर तो तमाम चीजें सामने रही, आपने एक बात भी कही पर सभा प्रवक्ता ने इस पर हामी नहीं भरी है कि आपने चर्चा चल रही है और उतरेगा। किस पर हामी नहीं भरी है भाई? आपने कहा ना रालोट को उम्मीदवार उतरने की संभावना है, पर चर्चा चल रही है खतौली से। कहां से? खतौली से भाई, अभी अभी आप बोल रहे थे, आप ही ने कहा था ये। हाँ, ठीक बात है जी, हमने ये कहा था कि जो तीन चुनाव जी अभी हाल में होने हैं जी, हमारे जो व्यवस्था है समाजवादी के पार्टी के साथ हमारा गठबंधन है, हम लोग मिल बैठ करके ये तय करेंगे कि कौन चुनाव कहां से लड़ेगा जी, जी। तो इस पर कोई संशय नहीं है जी, हमारी तरफ से तो कोई संशय नहीं है। अगर आप कोई इस पर संशय लगता है, हमें संशय नहीं है, तो सपा प्रवक्ता नहीं बताया ना, प्रोफेसर साहब भी स्पष्ट कर देंगे कि इस पर हम लोगों के बीच में कोई संशय नहीं, कोई मतभेद नहीं है। अच्छा ठीक है, उन्हीं से पूछ लेता हूँ। देखिए मैंने कहा था श्रीवास्तव जी कि सपा और राष्ट्रीय लोकदल का एक मजबूत गठबंधन जी, और पार्टी के जो आला कमान है हमारी पार्टी का नेतृत्व प्लस इनकी पार्टी का जो नेतृत्व है वो मिल बैठ के तय करेगा कौन कहाँ लड़ेगा, ये बात का विषय है। निश्चित तौर पे इस समय जो हमारी जो लड़ाई है कि जो देश का प्रदेश का जिन्होंने सौहार्द खराब कर दिया, जो हेट पॉलिटिक्स के जन्मदाता है, उनको हराना है, इस बात पर माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय जयंत चौधरी एकमत है। और निश्चित तौर पे माननीय जयंत जी ने भी बोला है, माननीय अखिलेश जी ने भी बोला है कि हम लोग मिलजुल के आगे आगे जो भारतीय जनता पार्टी को परास्त कैसे इस दिशा में काम करने का काम कर रहे हैं। जोशी जी मैंने आपकी बात सुन ली, पर यहाँ पर बेर भाई ने स्पष्ट कहा था कि खतौली से उम्मीदवार रालोट का हो सकता है, इसके लिए चर्चा चल रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा है रालोट का उम्मीदवार हो सकता है, चर्चा चल रही है। मैंने इसी बात पे आपको बात कही जी। देखिए मैं कह रहा हूँ थोड़ी टिकट थोड़ी मिल गया है जी, चर्चा हो आपस में, बड़े आलाकमान बैठेगा जी, फिर उसके बाद निर्णय होगा वो आप लोगों को बता दिया जाएगा जी। चलो ठीक है, निर्णय बहुत जल्दी होगा। पवन जी अब आप अपनी बात रखिए। गौरव जी जी, सब मिलाकर के स्वर्गीय मुलायम सिंह जी की बात हो रही है जी, एक तो चाहे भाजपा प्रवक्ता हूँ चाहे सपा की प्रवक्ता हूँ जी, ऐसे शब्दों का अब इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जी, बिल्कुल। अब जो नहीं है इस देश दुनिया में जी, वो सभी लोग उनका सम्मान करते जी, थे जी। अच्छा, लेकिन उसी मैनपुरी की बात हो रही है सीट की जी, तो जो मेरा आकलन है जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के परिवार से ही जी वो सीट जीता जाएगा। अच्छा, बस जी, जीत जो होगी भारतीय जनता पार्टी की होगी। अच्छा, परिवार में ही आएगा, उसी परिवार में ही आएगा, जब पार्टी अलग हो जाएगी। समझ नहीं पाया पवन जी आपकी बात को, बड़ा लंबी बात बोल गए। सुन रहे हैं हमारे अच्छा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय। अच्छा, नाम चल रहा है उसी अनुसार बोल रहे हैं आप। देखिए नाम नहीं चल रहा है, जो हो रहा है, जो होने की भाजपा साम दाम दंड भेद बुरा भी मानिएगा प्रवक्ता महोदय, भाजपा के बुरा भी मानिएगा कोई मतलब नहीं है जी, कट सत्य सुनने की जो है इच्छा रखिएगा। भाजपा हर वो कदम उठाएगी जी जिससे वो सीट निकाल देंगे जी, उसकी तैयारियां चल रही है जी, ठीक है, वो मेहनत भी कर रहे हैं जी, जमीनी स्तर पे मेहनत भी कर रहे हैं, हर तरह से मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, हर तरह का राजनीति जी जो होता है सब जानते हैं, हम लोग तो नहीं कर पाते जी, लेकिन वो सब किया जाएगा जी, सब किया जाएगा। किस परिवार से लेके आएंगे, उन्हीं परिवार से आएंगे, प्रत्याशी बनेंगे, सहानुभूति पे ही चुनाव जीता जाएगा, सहानुभूति से ही उत्तर प्रदेश का या भारत का चुनाव जीता जाता है जी हमारे यहाँ जी।
इसके बाद में अगर हम आजम जी की सीट की बात करें तो जो स्थितियां लग रही हैं वहां भी इनकी पूरी कोशिश है। जैसे मुकदमे की बात हो रही थी जी, बकरी और भैंस और क्या क्या था सर, वो किताब चोरी, किताब चोरी जी, 81 मुकदमे हैं श्रीमान जी जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय, 81 मुकदमे हैं आजम जी के ऊपर। वो केवल बकरी का नहीं है, उस यूनिवर्सिटी का भी है सर, उस जमीन हड़पने का भी है सर जी, बहुत कुछ है सर जी, बहुत कुछ, धाराएं आप पढ़ लीजिएगा देख लीजिएगा। एक मुकदमा गलत लिखाया जाता है, दो गलत लिखाया जाता है, 80 और 81 मुकदमा गलत नहीं लिखाया जाता है जी, ये भी सच्चाई है जी। तो इन सब बिंदुओं पे भी वहां पे है, बोलिए जी, वहां पे इन सब बिंदुओं पे भी ध्यान देना है। आप बात रखेंगे अपनी, भुवन साहब आप बात रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप बात रखिएगा। लेकिन अखिलेश यादव जी को फिर एक बार हम कह रहे हैं, हम नसीहत देने वाले कोई नहीं है जी, लेकिन उनको जमीन स्तर पे मेहनत करना होगा, अपने कार्यकर्ताओं की इज्जत करनी होगी जी। जब वो हमें याद है 2022 का विधानसभा चुनाव जी, चुनाव जीत रहे थे वो, लेकिन वो सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर दिए थे, दो चरण बाकी था, तो सर्टिफिकेट नहीं बांटता है सर, ऐसे ऐसे उम्मीदवार को लाके खड़ा कर दिए कि उस भाजपा अपने आप सीट निकाल ले गई जी। इस पे ध्यान देना होगा, अपने कार्यकर्ताओं को समझना होगा जी, बाहर के लोग आ जाएं जी, वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी और दारा सिंह चौहान जी, बहुत सारे लोग आए जी, बहुत हो गए, अपने लोग को बुला दिए, मिलना बंद कर दिए थे सर जी, हम लोग सब देखते थे। तो ये है उसका कारण, भारतीय जनता पार्टी से सीखिए, इनके संगठन से सीखिए, इनके कार्यकर्ताओं से सीखिए और इनके मुखिया से सीखिए, सब कुछ सीखना होगा अखिलेश यादव को, तब जाके लड़ाई में आएंगे, अन्यथा इस 3 सीट के जो चुनाव हैं, एक सीट केवल समाजवादी पार्टी के पास आ रही है, दो अपने हाथ से गवा रहे हैं, ये देख लीजिएगा सर। ठीक है ठीक है, तो जल्दी बोलिए, तकी भाई को लेता हूँ, जल्दी बोलिए। देखिये मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, कानून का विद्यार्थी होने के कारण बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, अभी जो आपके जो विश्लेषक साहब कह रहे थे मैं बताना चाहता हूँ, मैंने अच्छे से अध्ययन करा है, और हाँ पत्रकार साहब से मैं कहना चाहता हूँ, निश्चित तौर पे जो उनके जो मुकदमे हैं वहाँ पर, जो प्रदेश सरकार द्वारा वहाँ पर हमने माननीय अखिलेश यादव जी का इसमें संदर्भ में बयान आया था कि उन्होंने कहा था कि निश्चित तौर पे वहाँ के लोगों दबाव डलवा के मुकदमे डलवाए गए, मामला न्यायालय में है, हम इस विषय पे नहीं कहना चाहते, लेकिन यह भी बात है कि बकरी चोरी और भैंस चोरी और किताब चोरी के क्या मुकदमे नहीं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये भी मुकदमे हैं उनमें से, मुकदमे ठीक है, मैं संख्या आप जो बता रहे हो ठीक है, लेकिन इस तरह के हल्के मुकदमे, वो भी जो विधायक विधानसभा 9-9 बार रह चुका हो, सांसद रह चुका हो, कैबिनेट मंत्री रह चुका हो, निश्चित तौर पर विवेक जी तो उनको फिर से शामिल कर दिया, अति गैमर और मुख्तार अंसारी की दूसरी जी, ये भारतीय जनता पार्टी जी। आप श्रीवास्तव जी, आप जानते होंगे बहुत ही गंभीरता से राजनीति करता हूं, और आपने भी देखा होगा अपने शब्दों पे बहुत ठीक ठाक पकड़ रखता हूं मैं, इस तरह की भाषा किसी के लिए मर्यादित नहीं करता, ना हमारे से सुनना पसंद करता, मैं निश्चित तौर पे इनके सुनने में कोई फर्क आया, मैं कभी कोई चैनल में आज तक मेरे 27 साल के राजनीति में उन्होंने कहा कि बहुत मर्यादित भाषा का प्रयोग करता हूँ, तुमने कहा केवल बदजुबान लोगों को पार्टी में रखते हैं, ये उसी जी जवाब लेंगे आप अरे क्या, क्या कह रहे हैं, बोल रहे केवल बदजुबान माहिर है भाई, बदजुबान लोगों को पार्टी में रखते हैं आप, ये बोल रहे हैं, नहीं मैं रखने वाला कौन, तो मैं तो भारतीय मतलब समाजवादी पार्टी का एक साधारण सा कार्यकर्ता हूं, मैं तो इतना केवल कहना चाहता हूं कि जैसा कि उन्होंने विश्लेषक साहब ने या जो आपके पत्रकार साहब वो कह रहे थे, उन्होंने सुनने में कोई फर्क आया, अच्छा। मैंने आज तक जो जब भी डिबेट आपके सुभाष जी होती रहती है, तो मैं निश्चित तौर पर एक जिम्मेदार होने के अच्छे से पक्ष रखता, पूरी फेरिस लगी हुई है जी। इन्हीं की साध्वी प्राची ने दिल्ली में कहा था दिल्ली में कौन से ज्यादा जीतेंगे, ये सबको देखा, इन्हीं की परवेश शर्मा जिन्होंने जिन्होंने जो मुख्यमंत्री उसको आतंकवादी तक कह दिया, अच्छा। इनके यहाँ कपिल मिश्रा है, इनके यहाँ अनुराग ठाकुर है, अच्छा। साक्षी महाराज है, राजा राजा सिंह है, सोम है, योगेंद्र ठाकुर है, इनका तो आधा दर्जन एक दर्जन के से ज्यादा लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अच्छा। और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, हद है कि कोर्ट जो है
वो कपिल मिश्रा कार्रवाई करते भाई आप लोग कपिल मिश्रा के ऊपर प्रश्न जी कपिल मिश्रा के ऊपर सुन तो लीजिए आप जी। आप ही बोलिए हम नहीं बोलेंगे आप न्यायालय के ऊपर मीडिया के ऊपर आवाज सवाल नहीं पूछा यही मैं चाहता हूं दिखा रहा हूं आपका चेहरा सामने आता है आपने मेरी पूरी बात सुनी हम आपकी बात सुन ली नहीं सुनी आप न्यायालय के ऊपर आवाज उठा रहे नहीं बोलिए 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 आप बोलिए भैया बोलिए 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 सुनिए आप बोले 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 आप न्यायालय की आवाज उठा रहे हैं आप मीडिया के ऊपर आवाज उठा रहे हैं ये कहां तक न्यायपर्थ है ठीक है तो यहाँ पर चर्चा का विषय बड़ा अजीब था और विषय बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी था कि मैनपुरी और रामपुर और खतौली में उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव के बाद यहाँ घमासान निकाय चुनाव में होगा और घमासान बाकी है हिमाचल और गुजरात में। फिलहाल तमाम तरह की यहाँ पर सरगर्मियाँ चल रही हैं और आरोप प्रत्यारोप के दौर भी जारी है और मेहनत भी जारी है। पर इसके अलावा एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत से मिला करती है, अगर संघर्ष धरातल पर हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। तो यहाँ पर संघर्ष चाहिए धरातल पर, तभी कोई बदलाव होगा, अन्यथा परंपरा जो चल रही है वही चलती रहेगी। तो आज की चर्चा में इतना ही, मुझे यानी गौरव श्रीवास्तव की अनुमति, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।